अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का वेरी टफ़ जो लेक्चर है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि टेंथ के स्टूडेंट्स को, स्पेशली एट्थ के स्टूडेंट्स को भी बड़ा मसला पेश आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक सा लेक्चर है कि जिसमें बड़े स्टूडेंट्स को बाज़ूकात बहुत बड़ा मसला पेश आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, डाटा को हम कैसे सॉल्व करें, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, इसको सॉल्व कैसे करें। ये एक बहुत ही मेजर सा प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए सो मैंने सोचा कि ये एक इस पर एक लेक्चर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा करके पहला स्टेप। या उसके अलावा मैं ये चाह रहा था कि इसको ईजी सा करके मैं आपके लिए पेश करूँ। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं आज लेक्चर लेकर आया हूँ। ज़रा इसको मैं डिटेल से बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक अरेंजमेंट को कहते हैं, टेबुलर अरेंजमेंट होती है, एक तरह की अरेंजमेंट कर देना, एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट कर देना, क्लासीफाइंग कर देना, यानी उसको क्लासीफाई कर देना, डाटा को क्लासीफाई कर देना इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबुलर अरेंजमेंट को कहते हैं, एक अरेंजमेंट, एक तरतीब को कहते हैं, एक क्लासीफाइंग को कहते हैं, यानी क्लासीफाई मतलब क्लासें बना देना उस डाटा की। ये जो डाटा मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है, इस डाटा को अगर हम क्लासीफाई कर देंगे, यानी इसकी क्लासेस बना देंगे, क्लासेस बनाने के बाद इसको डिफरेंट ग्रुप्स में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस डाटा को अगर हम करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अगर फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके नीचे एक और डेफिनेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी जो मैंने ये डाटा आपको दिया हुआ है, इस डाटा को क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे जनाब, इसका आपने सबसे पहले क्लासेस बना लेनी है। ठीक है, इसको क्लासेस बनाने के बाद आपने सिंपल जी आपने देखना यह है कि सबसे लोअर कौन सी वैल्यू, यहाँ पर सबसे लोअर वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब 2 जो सबसे लोअर है और सबसे हाई वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 11 11 के बाद अगर 12 भी है तो वो भी आपकी आ जाएगी, 12 भी है, 12 के 13 भी। ठीक है जी, 13 तक 12 तक हाईएस्ट वैल्यू, तो आप ये इसको 12 तक ले जाएंगे, 4 5 6 7 8 9। सो ये थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 तक कर लें, यहाँ इसको अब वैल्यूज़ को देख लें। ठीक है, उसके बाद ये क्लासेस बना दें। ठीक है, अब इसकी अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जो 2 है, ये वाला 2, ये इसमें कितनी बार आया हुआ है, इस डाटा के अंदर जो 2 है वो कितनी बार आया हुआ है, कि ये आपने इसको बिल्कुल अरेंजमेंट करके देखना। ये है कि ये डाटा में जो है, इस डाटा के अंदर जो है 2 है वो कैसे आया, ये हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें। सो अगर हम ज़रा गौर से सारे डाटा को अगर देखें तो 2 सिर्फ 1 टाइम आया हुआ है। ठीक है, 2 जो है वो 1 टाइम आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 3 कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 आया हुआ है, अगर आप डाटा को देखें तो 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, 3 टाइम्स आया हुआ है। 4 कितने टाइम्स आया हुआ है, 4 आया हुआ है 6 टाइम्स। ठीक है, 4 आया हुआ है 6 टाइम्स, 5, यानी आपने इस डाटा के अंदर काउंट करना है। जैसे मैं ज़रा गौर से अगर देखूँ, 2 जो आया हुआ है वो आया हुआ है 1 टाइम, 3 आया है 3 टाइम, ठीक है, 4 आया है 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम्स आया, 4 जो है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 5 कितने टाइम्स आया होगा, 5 1 2 3 4 4 टाइम आया। ठीक है, 6 कितने टाइम आया, 1 2 3 3 टाइम आया विद 6, 7 7 1 2 3
सिक्स टाइम आया हुआ है, ठीक है, सिक्स टाइम आया हुआ है, सेवन, उसके बाद एट कितने टाइम आया हुआ है, एट वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स आया हुआ है। नाइन कितने टाइम्स आया हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव टाइम आया हुआ है। टेन आया जी वन टाइम, वन टू, ठीक है जी, टू टाइम, और इलेवन आया आपका, इलेवन वन टाइम आया हुआ है, ठीक है, और ट्वेल्व भी वन टाइम आया हुआ जो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब आपने इसके टैली मार्क बताने हैं। टैली मार्क भी एक पुराने वक्तों में इससे शो किए जाने वाला एक मेथड था। टैली मार्क वन है और थ्री है तो थ्री लाइंस लगा देनी है, फोर अगर सिक्स है तो सिक्स लाइन कैसे लगानी है, फोर लगा के फाइव वाली कट करनी है और एक सिक्स आगे, वन आगे आ जाएगा, ठीक है। फोर आपने लगानी है फोर लाइंस, थ्री लगानी है आपने थ्री लाइंस, सिक्स लगानी है वैसे ही फोर लाइंस लगाएं, फाइव फाइव वाली कट करें और वन एक आगे, फाइव आपने लगानी है फाइव, फोर लाइंस लगा के फाइव कट कर देनी है, ये ऐसे फाइव, टू है तो टू है, वन है तो वन, ठीक है। ये टैली मार्क हो गए, ठीक है। अगर टेन है तो टू टाइम्स आपने ये डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर तो फिर आपने बताना है, अदरवाइज आपने नहीं बताना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, यानी सबसे ऊपर से काउंट करना शुरू करना है, यानी वन का सेम वन आ जाएगा, वन और थ्री को ऐड करना है, थ्री और वन को, फोर फोर और सिक्स को करना है आपने, ठीक है, सिक्स सिक्स और टेन और थ्री को करना है, थर्टीन थर्टीन और सिक्स को करना है आपने, ठीक है, नाइनटीन और फाइव को करना है आपने, ठीक है, फिर आपने ट्वेंटी फोर को और फाइव को करना है, ट्वेंटी नाइन और टू को करना है, यानी इसी तरह आपने ये जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी अपर क्लास लिमिट से निकलना शुरू हो जाएगी। सो ये थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सिंपल थी, अनग्रुप डाटा के तौर पर यूज़ की गई थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ग्रुप्स बने होंगे। ग्रुप्स से मुराद ये होगा कि आपने उस लिमिट से ऊपर नहीं जाना। जैसे ग्रुप अगर हमें उसने दिया हुआ है टू से लेकर फोर तक अगर ग्रुप दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर, यानी इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आती हैं, यानी टू है इसके अंदर थ्री आता है और फोर है, आपने डाटा के अंदर देखना है, डाटा के अंदर टू थ्री और फोर जितनी बार भी रिपीट हुआ होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था, सिर्फ कॉमन सा लेक्चर था एक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगर मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये तो एक कॉमन सा लेक्चर था, अगर उसके अलावा कोई स्पेसिफिक लेक्चर किसी अगर आपको मीन मीडियन मोड हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अगर कंफर्म करना है तो आप नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो लेक्चर मैं बनाया इसको आप अगर अगेनली देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए ही ये मैंने इतना इजी करके बनाया, वरना इसके और भी मेथड हैं, लेकिन इसको इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।